कहा जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो सीधा ईश्वर से हमें जोड़ती है। तो अगर आप इसका मनन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी बॉडी फिट रहती है डांस करने से। साथ में आप एक डिसिप्लिन सीखते हैं कि आपको कैसे समाज में रहना है, कैसे आपको बातचीत करनी है। एक संस्कार आपको देता है भारतीय नृत्य शैली, आपको एक अच्छा संस्कार प्रदान करती है। जो ये वर्कशॉप रहा, इसके जरिए बच्चों को जो हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है, हमारा जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, जैसे यहाँ का जो फोक नृत्य शैली है वो तो मैंने देखा है बहुत, वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे शास्त्रीयता नहीं है इतनी। तो इसके जरिए थोड़ा सा यहाँ पे शास्त्रीयता बढ़ी है कि बच्चों को ये पता चला है कि कैसे शास्त्रीय नृत्य क्या चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर फोक डांस फॉर्म बच्चे करते हैं तो उन्हें अब थोड़ा सा ज्ञान शास्त्रीय नृत्य का भी हुआ है, इसके जरिए वो कला संस्कृति को अपना बढ़ा पाएंगे और भी अच्छे से। महाराज जी और शंभू महाराज जी के कामों को, उनकी पीढ़ी के काम शाम हमेशा लेती है पंडित शंभुनाथ जी को और उन्हीं की पीढ़ी के बहुत सारे ऐसे नाम जो हमने वहाँ से सीखे और सुने। सारे अध्यक्ष और आप भी हो जो, आप भी आ जाओ आगे। हाँ जी, इस साइड देखो। पहला दोष तो वैसे टेलीविजन को ही दूंगी, क्योंकि जो अब आजकल का जैसे इंडिया गॉट टैलेंट या फिर जो भी टैलेंट रियलिटी शोज आते हैं वो ज्यादातर जो विदेशी डांस फॉर्म है, जैसे हिप हॉप हो गया या कंटेम्प्रेरी हो गया, उस डांस फॉर्म को ही ज्यादा वो दिखाते हैं। लेकिन जो हमारा भारतीय नृत्य शैली है वो उसको आगे थोड़े टाइम के तो लेके आते हैं, लेकिन प्रॉपर उसी को आगे नहीं लेके जाते, उसको कहीं ना कहीं वो रोक देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको सारे डांस फॉर्म आने चाहिए, इंडिया गॉट टैलेंट, लेकिन इंडिया के डांस फॉर्म ही उसमें नहीं होते हैं। आप देखेंगे तो आप देखेंगे विदेशी डांस फॉर्म को ही वो ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि वाह कितना अच्छा किया, या रस्सी से लटक है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो शास्त्रीय नृत्यता की शुद्धता है, जो उसकी कोमलता है, जो उसमें ठहराव और सहजता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। कथक तो मैं ये कहूँगा उत्तर प्रदेश का है और जिस घराने से है, लखनऊ घराने से, मैं उस घराने में जन्मा हूँ और सातवीं जनरेशन हूँ अपने इस परिवार में। मेरे फादर शंभू महाराज जी और मेरे बड़े भाई पंडित बिरजू महाराज जी। संस्कार घर में माता पिता संस्कार देते हैं, हम लोग नृत्य के जरिए इनको संस्कार देते हैं, अपनी कला अपनी संस्कृति के बारे में उनको नृत्य के बोलों द्वारा अवगत कराते हैं, चाहे वो कृष्ण भजन है, चाहे वो नृत्य के बोल हैं, चाहे वो ठुमरी है, चाहे वो दादरा है, उसके जरिए हम इन बच्चों को अपने कथक की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अब लोग पता नहीं क्या क्या बदन तोड़ देते हैं उठा के, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, किसी की कमर में लचक आ गई, किसी की नस खिंच गई, क्यों भाई? अपनी
भारतीय कला संस्कृति में कम चीजें थोड़ी ना, बहुत कुछ है, बड़ी गहराई है, लेकिन समझना। और आजकल टाइम का बच्चों पे प्रेशर बहुत है, एजुकेशन का, पढ़ाई, पेरेंट्स भी प्रेशर देते पहले ये करो फिर ये करो, तो ये सब आके थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितना अपने भारतीय कला संस्कृति को बचा सकें उसको हम कोशिश करते हैं। मुझे इन 3 दिनों में वो चीजें सीखने को मिली हैं जो मुझे अब तक नहीं मिली थी। मुझे इससे बहुत सारी मुद्राएं सीखने को मिली हैं, अलग अलग तरीके से मुद्राएं जो होती हैं वो सब मिली हैं, और जो बहुत सारी जो प्रेरणाएं होती है वो भी मिली हैं। अनुशासन, और हमें एक ये चीज भी बताई गई है कि कैसे अनुशासन में रहते हैं, और हमें वैसे ही अनुशासन में रहना चाहिए जैसे जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक मतलब इतनी अच्छी सी चीज कथक नृत्य, जो कि हमारी संस्कृति की परंपरा है, हमारा सौभाग्य है, हमारी संस्कृति को दिखाता है। मैं अपने आप को इतना सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने कृष्ण मोहन मिश्र जी की कार्यशाला में प्रवेश लिया। उन्होंने सिर्फ अपने कदमों से नहीं, अपनी ताल, अपनी बातें, अपनी अनुशासन में रह, कैसे अनुशासन में रहते रहते कथक को सिखा जा सकता है वो भी दिखाया। कि हम ऐसे नहीं कि आजकल बॉलीवुड एरोबिक्स डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स चले हुए हैं, बट हम अपनी परंपरा को कैसे अनुशासन में रह के सीख सकते हैं, ये हमें सीखने को मिला। और मैं सोचती हूँ कि अगर किसी को भी जीवन में ऐसा मौका मिले तो उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो वेरी लकी फील करती हूँ खुद को कि मैंने इसमें आके अपना पार्टिसिपेट किया, और मैंने इसमें अपने हाथ की कैसी मुद्राएं बनानी चाहिए, पैरों की ताल, जैसे इसे पताका बोलते हैं, इसे द्विपताका बोलते हैं, हमने इस तरह की चीज़ें भी सीखी, कैसे 1, 2, 3, 4 ताले होती हैं पैरों की। और श्री कृष्ण मोहन मिश्र जो श्री बृजू महाराज जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बृजू महाराज जी को तो पूरी दुनिया में विख्यात है। ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज जी सिर्फ छोटी काशी में नहीं, पूरे विदेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी अपने वर्कशॉप चलाते हैं। और छोटी काशी का सौभाग्य कि वो यहाँ पे आए हैं, और मेरा द्वि सौभाग्य कि मैंने उनकी इस वर्कशॉप में काम किया, हिस्सा लिया, तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। धन्यवाद। भविष्य मैं आगे जाके इनकी एकेडमी में जाके मैं और भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ, जैसे हर चीज़ डांस में, कथक, पताका, एक्सपर्ट बन सकती हूँ। हमने हमें बेसिक बहुत सारी चीज़ें बताई, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई, और हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ आ पाए। हम उन लकी बच्चों में से हैं जिन्होंने अपना नाम इस मंच के लिए लिखवाया और यहाँ आ पाए। इसमें ये है कि जो हम जैसे कभी हमें लेक्चर वगैरह दिया जाता था वो हम ध्यान से नहीं सुनते थे, लेकिन अब हम सुनेंगे क्योंकि हमें पता है कि अनुशासन कितना ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए। और इन 3 दिनों की वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हमें आज तक सीखने को नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिला कि आगे भी मौका मिलता है कि मैं ऐसी वर्कशॉप्स में जाऊँ तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। बेटा सामने देखो, थैंक यू।